जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा, लेकिन मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत इन शहरों में 5 अगस्त से खुलेंगे मॉल्स। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के नगर निगमों ग्रेटर मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर में 5 अगस्त से मॉल्स और कॉम्प्लेक्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक चालू रहेंगे, जिसमें सिनेमा घर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन केवल होम डिलीवरी ही की जा सकेंगी। तो वही 5 अगस्त से आउटडोर नॉन टीम स्पोर्ट्स की अनुमति होगी। इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। स्विमिंग पूल पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। एक और जहां मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, वही आवाजाही के लिए उपयोग में आने वाली टैक्सी, कैब, रिक्शा और फोर व्हीलर और टू व्हीलर पर यात्रियों की संख्या में भी राहत प्रदान की गई है। टैक्सी और कैब में अब ड्राइवर के अलावा 3 यात्री, रिक्शा में चालक के अलावा 2, फोर व्हीलर में चालक के अलावा 3 और टू व्हीलर पर डबल सीट को अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन टू व्हीलर पर हेलमेट और मास्क की अनिवार्यता लागू की गई है। तो वही दूसरी ओर नागपुर शहर में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक पूर्ण कड़ा लॉकडाउन शुरू होने की खबरें सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही है। मनपा आयुक्त मुंडे ने जनता से इससे बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपत्ति व्यवस्थापन कानून और संक्रमण रोग नियंत्रण कानून के अंतर्गत मनपा आयुक्त को लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार है, किंतु अब तक पुनः लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का निर्णय नहीं लिया गया है। इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत नियम और शर्तों के अनुसार राहत दी गई है, जिसके आधार पर शहर के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनता को नियमों का कड़ाई से पालन करना है, ऐसी अपील मनपा आयुक्त ने की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।